स्क्रिप्ट से टॉपिक हमारा रहेगा क्वेश्चन 4 का फॉर्मेटिंग क्वेश्चन फॉर 2000, जिसमें आप जानेंगे फॉन्ट की साइज कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट स्टाइल, हाईलाइट कलर्स, पेस्ट इफेक्ट, द बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइंस कमांड, चेंजिंग पेज लॉक्स एंड लास्ट में देखेंगे चेंजिंग पेज अलाइनमेंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जिस पर भी हम क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी इफेक्ट आ जाती है।
तो इस स्टाइल में आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार दूसरे वर्ड को भी आप देख सकते हैं। इस वर्ड को हमने सेलेक्ट किया, वापस यहाँ पर हम टेक्स्ट इफेक्ट पर जाते हैं, एरो पर क्लिक करते हैं और जिस भी कलर का इफेक्ट जो है हम लेना चाहते हैं, हमारा स्टाइल वही रहेगा, सिर्फ इसका इफेक्ट चेंज होगा। ठीक है, स्टाइल हमारा चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है बच्चों, इफेक्ट चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट इसी प्रकार हम थर्ड लाइन भी ले लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, वापस माउस को ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे और वापस टेक्स्ट इफेक्ट पर जाते हुए जो भी इफेक्ट हम देना चाहते हैं वो इफेक्ट हम यहाँ से सेलेक्ट करके उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो इफेक्ट हमारा आ जाएगा। अब आपने टेक्स्ट इफेक्ट जान चुके हो, अब हम देखेंगे बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कमेंट। अब इसके लिए मान लीजिए हमने एक वर्ड लिख लिए हैं, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली हमने लिख लिए हैं, अब इसको हम देखेंगे। सिंपल आप यहाँ से स्टाइल यहाँ से हम सिंपल ले लेते हैं, एरियल ब्लैक हमारा स्टाइल लिया हुआ है। अब वापस हम माउस को ड्रैग करते हुए इसको सेलेक्ट करेंगे, सिंपल इस प्रकार का लिखा है। अब इसको अगर हम बोल्ड करते हैं, ये तीन लाइन आपकी दी हुई है, जैसे ही आप माउस पर चले जाते हो उस ऑप्शन के नेम लिखे हुए नीचे आ जाते हैं, ये हमारा बोल्ड। बोल्ड पर हम क्लिक करते हैं तो ये ज़्यादा हमारा डार्क हो जाता है। इसको सबसे पहले हम सिंपल फॉन्ट में ले लेते हैं, एरियल में। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए इसे बोल्ड। वापस हम आपको माउस अलग क्लिक करके दिखाते हैं, देखिए लाइट से डार्क हो गया। वापस एक बार देखेंगे, इसको सेलेक्ट किया हमने और बोल्ड हटा दिया। अब माउस को अलग क्लिक करके देखिए ये क्या हो गया, पतला लिखा हुआ हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी प्रकार, इसको हम ब्लैक कलर में ले लेते हैं, ठीक है, और सिंपल हम इसको सिंपल फॉन्ट में ले लेते हैं, सिंपल फॉन्ट हम एरियल में ले लेते हैं। ये हमारा हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है, ये बोल्ड आ गया। वापस मान लीजिए हमने लिखा हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली लिखने के बाद वापस इसको हम सेलेक्ट करते हैं और अब हम इटैलिक देखते हैं। देखिए ये सीधा लिखा हुआ है, जैसे ही हम आई फॉर इटैलिक लिखा हुआ आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ आ गया। अब वापस इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये हमारा कीप स्माइल लिखा हुआ है, इसको हम सिंपल फॉन्ट में पहले तो ले लेते हैं, एरियल में सिंपल फॉन्ट में हमने ले लिया। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन हम करना चाहते हैं तो देखिए यू है, यू के एरो पर हम क्लिक करेंगे और जिस भी प्रकार का हमको अंडरलाइन देना है उस पर जाकर हम क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार ये माउस को अलग क्लिक करेंगे और देखिए ये हमारा अंडरलाइन हो चुका है। अब हम जानेंगे बच्चों चेंज द टेक्स्ट केस। चेंज द टेक्स्ट केस का बॉक्स यहाँ पर ये आ जा रहा है, देखिए चेंज केस ऑप्शन आपका लिखा हुआ आ गया। अब इसके लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं और कुछ लाइन को लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है, ये हम लिख चुके हैं। अब इसको जो है हम अलग अलग लाइन में पांच बार लिखेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी कर दिए हमने और फिर इंटर करके पेस्ट करते जा रहे हैं। अब इसके इफेक्ट आपको हम बताएं। सबसे पहले चेंज केस में हमारा सेंटेंस केस होता है, सबसे पहले इसको हमने सेलेक्ट किया और फिर वापस हम चेंज केस कैपिटल एंड स्मॉल दोनों ए है सिंबल इसका चेंज केस पे क्लिक किए और सबसे पहला सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में ये अभी आपको नज़र नहीं आएगा, सबसे पहले हम लोअर केस कर लेते हैं। लोअर केस में
सारे वर्ड हमारे स्मॉल में लिखा गया। ओके, अब जो है इसको हमको वापस को हम इसको सबको सेलेक्ट कर ले रहे हैं और इसको भी हम लोअर केस में ले ले रहे हैं। अब फर्स्ट लेटर को हम सेलेक्ट किए, सॉरी फर्स्ट सेंटेंस को हम सेलेक्ट किए हैं और फिर ए पर गए और सेंटेंस केस लेते हैं। सेंटेंस केस लेने से इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल हो जाता है। नेक्स्ट हम दूसरी लाइन को सेलेक्ट करके देखते हैं। अब देखिए बच्चों, दूसरी लाइन को हम सेलेक्ट किए हैं और ये लोअर केस यानी सभी स्मॉल हो जाते हैं। इसको हम अपर केस कर लेते हैं जिसमें सारे लेटर्स कैपिटल में आ जाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं सारे लेटर कैपिटल में आ चुके हैं। थर्ड लाइन हम सेलेक्ट करते हैं, वापस हम चेंज केस पर जाते हैं। यहाँ आपका है कैपिटलाइज ईच वर्ड लेटर। इस सेंटेंस में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। देखिए सी कैपिटल हो गया, आई कैपिटल हो गया, ए कैपिटल हो गया, ई, यानी क्या हो रहा है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो रहा है। नेक्स्ट लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और वापस हम चेंज केस पर जाते हैं और ये देखिए फर्स्ट लेटर इसमें स्मॉल होता है और बाकी लेटर कैपिटल होते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, अब हमारा लोअर केस में सारा लेटर लोअर हो गया और वापस हम टॉगल इसमें देखेंगे, ये आपका इस फॉन्ट में नहीं ले रहा है, दूसरे फॉन्ट में इसको हम करके देखेंगे। कई बार क्या होता है बच्चों, कोई फॉन्ट में जो है कोई ऑप्शंस नहीं चलते। इसको हमने ये ले लिया है और वापस इसको हम चेंज करके देखेंगे। फर्स्ट लेटर हमारा जो है सारा लेटर इसमें कैपिटल हो रहा है और स्मॉल हो रहा है, तो इस ऑप्शन को वापस हम करके देखते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल हो रहा है, ठीक है। सेकंड लेटर में पूरे स्मॉल हो जा रहे हैं। थर्ड ऑप्शंस में पूरे कैपिटल हो जा रहे हैं। फोर्थ ऑप्शंस में कैपिटलाइज ईच वर्ड हो रहा है। एंड फिफ्थ ऑप्शन जो है, देखिए फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड बाकी लेटर हैं कैपिटल हो रहे हैं, ठीक है। डिफरेंसेज आपको समझ में आ चुका है। अब हम देखेंगे चेंजिंग पेज अलाइनमेंट। अब इसकी साइज हम थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ से जाके हम साइज छोटी कर लिए हैं। अब वापस आपको अलाइनमेंट हम बताते हैं। सबसे पहले अलाइनमेंट के लिए हम फर्स्ट सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है जो डिफॉल्ट रहता है। बीच में हमारा क्या रहा है बच्चों, सेंटर अलाइनमेंट। जैसे ही हम इस पर क्लिक किए हमारा अलाइनमेंट टेक्स्ट जो है सेंटर पर आ जाता है। और राइट अलाइनमेंट में जैसे इसको हम सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए दूसरी लाइन को सेलेक्ट करते हैं, माउस की सहायता से ड्रैग करते हुए दूसरी लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और ये राइट अलाइनमेंट में क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है, राइट अलाइनमेंट हो रहा है। अब जब हम कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट से लिखाना स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं बच्चों। अब वापस जो है हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपका जस्टिफाई हो जाता है, यानी दोनों तरफ जो है मार्जिन सेम होती है। जनरली आप न्यूज़पेपर वगैरह में देख पाते हैं कि मार्जिन दोनों की सेम होती है, दोनों तरफ हमारे बुक्स में जैसे लिखी रहती है। देखिए इधर की एक साइड मार्जिन इक्वल रहती है और इसके अकॉर्डिंग एक साइड मार्जिन इक्वल रहती है, ये हमारा जस्टिफाई कहलाता है। और इसको हम सेम राइटिंग में लेके जस्टिफाई आपको बताते हैं कि इस प्रकार का ये दोनों तरफ से लाइनिंग जो है हमारी सेम जस्टिफाई रहती है। अगर हम सेंटर पर करते हैं तो सेंटर से लिखाना शुरू होता है। मान लीजिए इसको हम सेंटर पर करते हैं तो ये हमारा सेंटर हो गया। अब इंटर करके हम नीचे करते हैं तो हमारा जब भी लिखाएगा तो सेंटर से ही लिखाना शुरू होगा। देखिए आप देख पा रहे हैं सेंटर से हमारा लिखा रहा है, फिर हम इंटर करेंगे तो फिर हमारा सेंटर से ही लिखाएगा। जबकि अगर हम अलाइनमेंट लेफ्ट करते हैं, देखिए यहाँ से हमने लेफ्ट कर लिया, फिर इंटर करके हम लिखेंगे
की स्टार्टिंग होगी लेफ्ट से शुरू होगी। इसी प्रकार अगर इसको हम राइट में लेते हैं तो हमारा अलाइनमेंट राइट रहेगा, और जब भी हम नेक्स्ट लाइन पर लिखेंगे, देखिए हम इधर करके आपको बता रहे हैं, जब भी हम नेक्स्ट लाइन पर लिखेंगे तो हमारा अलाइनमेंट जो है राइट से भी लिखाना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार आपको ये ऑप्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही प्लीज़ हमारे चैनल को एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।